नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सत्र का 31वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच शारजा में खेला गया। इस मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। आपको बता दें, इस मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने धाकड़ ओपनर क्रिस गेल को मौका दिया। जी हाँ, यूनिवर्स बॉस का ये आईपीएल 2020 में पहला मुकाबला था। इस मुकाबले में वो पूरे रंग में नजर आए। जी हाँ, फील्डिंग के दौरान वो खूब मस्ती करते हुए भी नजर आए। इस दौरान अर्शदीप सिंह की एक गेंद पर एरोन फिंच ने पहली स्लिप की दिशा में एक गेंद को खेला। क्रिस गेल ने डाइव लगाकर गेंद को रोकी और उसके बाद अपने साथी खिलाड़ियों के साथ जमकर मस्ती की। हालांकि पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे वो एरोन फिंच पर गुस्सा हैं और उन्हें घूर कर देख रहे हैं। हालांकि गेंद उठाने के बाद वो दौड़कर एरोन फिंच के पास भी गए और उनसे कुछ कहा भी। हालांकि एरोन फिंच ने मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। आपको बता दें, क्रिस गेल को पहले ही मौका मिलने वाला था लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से वो आईपीएल 2020 के 31वें मैच में पंजाब के लिए खेलने उतरे। हालांकि इस मुकाबले में उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जोड़ी नहीं ओपनिंग की। आपको बता दें, विराट कोहली ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत 171 तक स्कोर को पहुँचाया। आपको बता दें, टीम की तरफ से विराट कोहली ने ही 39 गेंदों पर 48 रनों की सर्वाधिक पारी खेली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।